हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिप्सी शिवा। अभी सो के उठा हूँ, जस्ट सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हम आ गए हैं गैस स्टेशन पे। यहाँ पर जो 7-Eleven की तरह ऑक्स होता है या कुछ ना कुछ होता है कि जहाँ पर आप चीज़ें खरीद सकते हो। तो जस्ट बच्चों को कुछ स्वीट्स दिला के और अभी जा रहा हूँ क्या कहते हैं वापस घर पे। और ऐसा कुछ दिखता है कैसे नहीं दिया, ये हमारे विलेज में हमारे गांव में बस एक ही है, तो यहाँ पर जो है हम बैठे हैं तो यहीं पर ही आना पड़ता है, कुछ सामान लेना पड़ता है। तो अगर कुछ सामान स्पेशल चाहिए तो यहाँ पर मिल जाता है, बट हर एक टाइम अवेलेबल नहीं है। पहले रात को भी खुलता था लेकिन अब जो है रात को नहीं खुलता है, खाली अब ये जो है खाली दिन में खुलता है। तो पहले तो 24/7 खुला होता था, तो अगर आपको रात को भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन बोलते हैं कि इतने लोग नहीं आते रात को, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रात को बंद करना शुरू कर दिया है। और जो पेट्रोल है गाइस, यहाँ पर जो पेट्रोल है वो 125 रुपये लीटर है, 125 रुपये लीटर का जो है वो पेट्रोल हो रखा है इस वक्त। 125 भी नहीं, मतलब कह सकते हो कि हाँ 125, अगर कन्वर्जन करो तो 120-125 के आसपास पड़ता है। और यहाँ पर जो पेट्रोल मैंने पहली बार लिया था कोरोना में तो 80 रुपये लीटर लिया था, बट पेट्रोल और भी महंगा हो गया पिछली बार 5 महीने में। पेट्रोल जो है ऑलमोस्ट कम से कम 15 रुपये बढ़ गया है, तो पेट्रोल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन यहाँ पेट्रोल के रेट बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी मिलती है एनर्जी ड्रिंक, जैसे हमारी रेड बुल और मॉन्स्टर है वो भी अवेलेबल है, बट ये यहाँ के मेक्सिको के लोकल मार्क हैं और सब लोग मतलब यही पसंद करते हैं ज़्यादा, बिकॉज इट्स मोर चीप। और जैसे कि एक ड्रिंक जो है ये 100 रुपये की है, और जो रेड बुल वगैरह है वो ऑलमोस्ट 150-250 रुपये की पड़ती है, तो सब लोग यही ड्रिंक करते हैं। इसका भी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और अलग अलग फ्लेवर्स में भी आती है, नॉट जस्ट वन फ्लेवर, तो लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये वाली जो ड्रिंक है VVCN, मेरा नाम रख रखा है जो मिस्त्री है उसने मेरा नाम रख रखा है VVCN इस ड्रिंक के पीछे, बिकॉज बिल्कुल विवेक जैसा लगता है, जस्ट के का फ़र्क है, तो उसने मेरा नाम रखा है VVCN। और अभी मैं उसको देता हूँ क्योंकि इज़ वर्किंग लाइक अ रिफ्रेशमेंट। भाई इधर चाय तो होती नहीं तो यही सब देना पड़ता है, तो काम कर रहा है अंदर की तरफ, तो अभी उसे दे के आता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं गिफ्ट करता हूँ, गिफ्ट क्या मतलब कि उनको ऑफर करता हूँ VVCN ओरिजिनल। खुश हो जाएगा, देखो काम कर रहा है वहाँ मिस्त्री। और मीरा के त्राइगो यो परती किक्रेस के यो त्राइगो ओसीएम दो मार्च यो VVCN मीरा के पहले से तो गाइस यहाँ पर जो टाइल लगाते हैं उससे पहले जो फर्श है उसको सीमेंट के साथ, सीमेंट और हल्का सा बदरपुर डालने के साथ इसको पहले ऐसे करते हैं, और इसके बाद डायरेक्ट एक सीमेंट का पैकेट आता है, सीमेंट का पेगाडोर बोलते हैं उसे, और डायरेक्टली उससे टाइल को लगाते हैं। तो ये कोई तरीका है जो कि टाइल लगाने का है यहाँ पर। तो अगर आप देख सकते हो तो इसने बदरपुर और सीमेंट मिला दिया है, सीमेंट मिलाने के बाद इसको ऐसे जो है लेवल अप करके ऐसे जो है इसको पूरा तैयार करके ये रेडी हो गया। मतलब ये वाला तो अभी रेडी नहीं हुआ है, ये वाला अभी भी काम चल रहा है इस वाले रूम में, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये जो है रेडी हो चुका है पूरा का पूरा। ऐसे इन्होंने फर्श को बिल्कुल प्लेन कर दिया है, लेवल अप कर दिया है, और इसके ऊपर एक केमिकल लगाएंगे, जो केमिकल है वो ये रहा, ये वाला केमिकल है, और इस केमिकल से डायरेक्टली टाइल को फिट करेंगे। इसमें जस्ट पानी मिलाएंगे और टाइल को सीधा का सीधा जो है यहाँ पर लगा देंगे। इसके अलावा यही टेक्निक यहाँ यूज़ करते हैं, और बोलते हैं ये टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि टाइलें बैठे ना, टाइलें ज़िंदगी भर नहीं बैठेगी अगर ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। टाइलें भी आ चुकी हैं थोड़ी बहुत और आएंगी, ये तो मैं अपनी गाड़ी में डाल के लेके आया था, इस कलर की टाइलें अगर आप देख सकते हो तो ग्रे कलर की, ये तो मैं गाड़ी में डाल के ले आया इतनी कि भाई इसका काम ना रुके। आज आने वाली है जो और भी टाइलें हैं ना वो और आने वाली है सारी, बाथरूम की अलग है, बाथरूम में खाली इतने पार्ट में लगवाएंगे जितने में आप कलर नहीं देख रहे हो, इतने पार्ट में ही लगवाएंगे बाथरूम में, और फर्श में तो लगेंगी ऑब्वियसली, यहाँ पर भी फर्श में लगेगी। यहाँ पर जो है किचन बनाई है तो किचन में सारी जगह लगेगी, और किचन में जो स्लैब है वो भी, जो हमने सिंक है वो भी जो है सीमेंट का ही बनाया है, तो इसके ऊपर भी टाइलें लगेगी।
ये ऐसा कुछ दिख रहा है और यहाँ पर जो है काम चल रहा है। तो गाइस डिफरेंट टेक्निक्स है डिफरेंट देशों में। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर ये यूज़ हुआ है, ये हमारे पीछे जो यूज़ हुआ है प्लास्टर जो इन्होंने करा है, उसमें एक काल करके चीज़ आती है, काल और सीमेंट मिला के जो है इन्होंने ये प्लास्टर करा है। तो और जो ये वाइट है गाइस, तो ये पूरा का पूरा मैंने करा है खुद। ये पूरा जितना भी आप वाइट देख रहे हो, जो पुट्टी देख रहे हो, सारी मैंने करी है। बिजली का काम ऑलमोस्ट रेडी है, जो बचा है वो खाली यहाँ पर नलके वगैरह का काम बचा है। वहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो पाइपिंग सारी हो चुकी है, जस्ट नलके वगैरह लगने हैं, ऊपर टंकी लगनी है और काम रेडी। और गैस एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ छोटा सा मंदिर बनाया है यहाँ पर अपने घर में, वो दिखाता हूँ। पहले तो मैंने प्रिंट करवाए थे, उसके बाद अभी जो है मैं कुछ वो अपने मूर्तियाँ लेके आया हूँ भगवान जी की, इंडिया से दिखाता हूँ मैं पीछे कैमरे से। तो ये देखो गाइज, ये तो मैंने यहीं से प्रिंट करवा के, जब मैं चले गया था तो ये मैंने यहीं से प्रिंट करवा के भगवान जी की लगाई थी और जब मैंने गृह प्रवेश करा था। और ये जो है ये मैं लेके आया हूँ कि ये तीन गणेश जी, लक्ष्मी और शिवा जी की फ़ोटो, ये किसी ने गिफ्ट करी थी। और वहाँ अगरबत्ती रखी है, इस तरफ अगरबत्ती रखी है। ये मैंने छोटा सा जो है घर के अंदर ऐसे पूजा काला बनाया है रूम के अंदर इन द कॉर्नर, और रेडी। तो भाई नहा धो के अब चल दिए क्या कहते हैं होम डिपो की तरफ, कुछ और सामान लेके आना है लाइक नलके वगैरह और कुछ कुछ फिटिंग लेके आनी है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का सामान लेके आना है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का लगवाना है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट है इंडिया से। तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स वगैरह लेके आने पड़ते हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, तो वो लोग आते हैं और फिर लगाते हैं और उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती है लाइक 5,000 रुपये कनेक्शन की। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए अभी मेरे को होम डिपो जाना पड़ेगा, जहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जहाँ से आप सामान लेते हो। तो वहाँ जाऊँगा, एक भाई आ रहा है जो फिट करेगा, तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा कि भाई मैं आ जाऊँगा, तो तुम्हारा जो काम है जो भी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए वो ईज़िली मिल जाएगी। और यहाँ से लाइक 25 किलोमीटर है गए शहर हलापा होम डिपो, जाने में कम नहीं तो 40 मिनट लगेंगे, 2:30 बजे का टाइम दिया उसने और अभी हो रहे हैं 1:34। लेट्स गो गाइस। तो गाइस चल दिए हैं सामने की तरफ, यहाँ से जो है ये गांव का रास्ता है, एक छोटी सी रोड है जो कि स्टेट हाईवे कह सकते हो इसको, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट हाईवे होते हैं कि जो छोटी छोटी रोड होती है जो कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ से अब शहर जाने में मेरे को कम से कम नहीं तो हाफ एन आवर लगेगा। अभी देख रहे हो आप कि हो गया है 1:42, तो मैं अराउंड 2:20 तक पहुँच जाऊँगा। और ये हमारे गांव की रोड है, मतलब गांव के अंदर भी रोड है लेकिन ये गांव को कनेक्ट करती है ये वाली रोड। तो गाइस यहाँ पर एक सीन है कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो लोग जो है दूसरी गाड़ी को लाइट दे के बताते हैं कि भाई आगे एक्सीडेंट है, ताकि लोग जो है केयरफुली ड्राइव करें, बिकॉज छोटी रोड है लेकिन यहाँ लोगों को आदत है बहुत फास्ट चलाने की, तो इसलिए कि ड्राइव स्लो करें लोग। मैं भी अभी लाइटें दे रहा हूँ सबको कि हाँ भाई लोग ड्राइव स्लो करें, और कि आगे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो रखा था, एक गाड़ी जो है एकदम ऐसे हो रखी थी। तो अभी जब मैं आऊँगा शायद तब तो आपको दिखा पाऊँगा कि कितनी भयंकर गाड़ी स्किड करी और वो जाके दिवा उसमें पेड़ में टकराई। तो गाइज यहाँ पर ड्राइवर्स जो है काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और काफ़ी कॉन्शियसली चलाते हैं। तो अभी मैंने अपने जो इंडिकेटर्स को ऑन कर रखा है और मैं लाइट मार रहा हूँ हर किसी को कि भाई आराम से चलाओ, आगे एक्सीडेंट है, क्योंकि टर्न्स पे पता नहीं लगता, पहाड़ है टर्न्स है तो उस पर पता नहीं लगता कि भाई तुम कभी भी जो है ना भिड़ सकते हो इस कारण से। तो आप दूसरे बंदे को प्रिकॉशन, और यहाँ जो है ना पार्किंग लाइट्स को ऐसा प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, खाली पार्किंग लाइट्स को तभी यूज़ नहीं करते कि भाई जब गाड़ी खड़ी है भाई की पार्किंग लाइट्स ऑन कर दी, नहीं, अगर ट्रैफिक स्लो हो रहा है, आगे कोई रुका हुआ है या फिर कोई भी चीज़ है जो कि प्रिकॉशन, उनके बेसिस पे जो है पार्किंग लाइट ऑन करते हो। मैं पार्किंग लाइट्स ऑन करके चला रहा हूँ गाड़ी और अब मैं इस वाली गाड़ी को ऐसे लाइट मारूंगा कि भाई आगे एक्सीडेंट हो रखा है। तो गाइस हम पहुंच गए हलापा और ये एक बहुत बड़ी सिटी है। एक्चुअली ये जो सिटी है ये कैपिटल है एक स्टेट की जिसका नाम है वेरा क्रूज, और ये सबसे बोले तो डेवलप्ड पार्ट है अपना इस सिटी का। तो आप देख सकते हो गाइस डेवलपमेंट मेक्सिको में कैसी सी है, और ये सबसे आई गेस ऊंचा टावर है मेक्सिको इस सिटी का। तो गाइस पहुंच गए फाइनली हलापा और होम डिपो भी जस्ट पास में ही है। पहुंच गया मैं होम डिपो, ये रहा मेरे पीछे होम डिपो, और जस्ट एक फ्रेंड आ रहा है जो वर्क करेगा,
लाइक प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो दोनों ही काम करता है, लाइक प्लम्बिंग भी और इलेक्ट्रिसिटी भी वो आ रहा है। तो उसकी वेट करेंगे होम डिपो के अंदर, आई विल गेट जो भी लिस्ट बनाई है वो मैं निकालना शुरू करूँगा जब तक वो आ जाएगा। तो लेट्स गो। अभी मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, राफा के साथ, यही जो है इंस्टॉल करेगा सारी चीज़ें। तो ये मेरे साथ आया है मेरी हेल्प करने, बिकॉज स्पेनिश में कई बार ना चीज़ें समझ में नहीं आती। और गाइस ये देखो, यहाँ पर एक वो है गीज़र, और गीज़र कॉस्ट कर रहा है अराउंड 35,000 गाइस। और इंडिया में गीज़र जो है मैक्सिमम 6-7 हज़ार में अच्छे वाला मिल जाता है, वो भी गारंटी के साथ। और यहाँ पर गाइस जो गीज़र है वो कम से कम 30,000 रुपये का है, इलेक्ट्रिक वाला, या फिर तुम्हारा गैस वाला यूज़ करना पड़ेगा। ये जो गीज़र है ये इसके साथ जो है वो प्रेशर पंप भी चाहिए ताकि ये अच्छे से काम करे। तो काफ़ी ज़्यादा 8-9 हज़ार रुपये, 8-9 हज़ार पैसों का है, तो ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार रुपये का मेरे को गीज़र पड़ेगा ये, बट ये लाइफ टाइम के लिए है। अगर तार लेनी है तो इनके पास कुछ ऐसा सेटअप है, अपनी तार बताओ कि कितनी लेंथ लेनी है और उसके बाद ये जो है काट के दे देंगे। ये मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ चलता हुआ। और भाई के पास पूरी मशीन है, देखोगे तो आप यहाँ पर जो है उसका स्विच है और पूरी चीज़ ऊपर से नीचे मूव कर रही है। और हमारे को 8 मेजरमेंट की 18 मीटर तार चाहिए, तो ही जस्ट रिवॉल्विंग फाइंडिंग, और जहाँ रुक जाएगी वहाँ पर ये हमारे को जो है नाप के इस पर इस मशीन से कट करके दे देंगे। बट भाई टेक्नोलॉजी के मामले में ना कई जगह पे ना मेक्सिको जो है बहुत ही आगे रहता है इंडिया से। रेडी भाई निकालेगा अब, 8 मीटर की तार निकाली भाई ने और ये नापेगा, ये नापी। और मशीन ऐसी है कि ये साथ के साथ रोल भी कर देगी। हाँ ये बांधा, टेक्नोलॉजी है कि नो पुएदो एनकोंत्रे इन इंडिया। हाँ México es bello. Sí. 18 metros. Muchísimas gracias. Sí. Esto se la encinta. Sí, sí. और गाइस ये हो गई रेडी अपनी तार, वो बिल्कुल पैक वैक करके हमारे को देंगे, मतलब सारी चीज़ें रेडी करके देगा भाई। भाई ये सब चीज़ें ना खुद स्कैन करनी पड़ रही हैं, यहाँ ना लेबर नहीं है, भाई बिल बना दिया है, 30-35 हज़ार रुपये का बिल बना दिया और रुक नहीं दिया है मैडम। मैडम और बिल बढ़ाए जा रही है, बढ़ाए जा रही है, बढ़ाए जा रही है। तो गाइस अभी हम आ गए लिटिल सीजर, ये ड्राइव थ्रू है फॉर पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा खाएंगे एक एक पिज़्ज़ा। बट अगर ड्राइव थ्रू से लेते हो तो इंस्टेंट डिलीवरी है, इसलिए ड्राइव थ्रू के थ्रू ही जाएंगे हम। आज खाएंगे क्वात्रो चीज़ पिज़्ज़ा, लेट्स गो गाइस। बट ये स्पेस बहुत ही छोटी है और यहाँ देखो तेरे को कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगती है, क्योंकि स्पेस बिल्कुल ही छोटी सी है। इधर से भी लग सकती है, उधर से भी लग सकती है, और बहुत बुरी लगेगी अगर लगेगी तो। तो हम खाएंगे एक पिज़्ज़ा दे क्वात्रो केसोस, सी पिज़्ज़ा दे क्वात्रो केसोस सी। और यहाँ पर मेन्यू है सारा का सारा, यहाँ से मेन्यू देखो और फिर यहाँ आओ और यहाँ बोलो। अभी वो ओपन करेंगे, होला सी केरो उनो पिज़्ज़ा दे क्वात्रो केसोस पोर फावर। ¿Cuánto tiempo? 10 minutos antes se la conseguirá. Sí, sí, sí. Entonces la recogería enfrente. Ah. Por favor, ahorita se la cobran. Sí. ¿Es serio? Una fecha de... ¿Algo más que guste agregar? ¿Pan de ajo? No, no, muchas gracias. No, muchas gracias. So
गाइस ऐसे जो है आप ऑर्डर कर सकते हो, और बोल रहे हैं कि 10 मिनट में देंगे क्योंकि वो रेडी नहीं है, अदरवाइज फॉर एग्जांपल जो पिज़्ज़ा रेगुलर होते हैं वो तभी की तभी दे देते हैं। ग्रेशियस सी पर फॉर। सो गाइस पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है, और थोड़ा सा जोक कर रहा था मैं, राफा की शादी हुई है तो बोल रहा है कि भाई मेरे को वेकेशन पे लेके चल कनकून, तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि तूने तो इनवाइट ही नहीं करा वेडिंग पे, तो कैसे लेके चलूँ, तो बोल रहा तू था ही नहीं है, तो मैंने बोला इनवाइट तो करना चाहिए भाई। सही सही बात तो यह है कि भाई इनवाइट तो करता कम से कम, अगर इनवाइट करता तो मैं ज़रूर लेके चलता, लेकिन इनवाइट ही नहीं करा। तो गाइस कुछ ऐसा सा दिखता है लिटिल सीजर अंदर से, और टिकट गिर गई है। यार यहाँ जो है ना कुछ भी जो है ना मतलब कूड़ा नहीं कर सकते, लोग ना ऐसे देखते हैं कि मतलब तुमने कूड़ा फेंक दिया ये है वो है, तो टिकट गिरी थी तो वो उठानी पड़ी। ऐसा नहीं है कि वही छोड़ दोगे भाई इंडिया की तरह, क्योंकि यहाँ लोग जो है ना काफ़ी एजुकेटेड है, सो दे एवरी वन फिक्स देयर ओन कूड़ा, तो अगर आप अपना कूड़ा नहीं उठाते हो तो मतलब आप डिफॉल्टर हो। तो गाइस पहुँच गए हैं घर पे। ये क्या हुआ है कि भाई दो तीन जो थी टाइलें ना वो मेरे ससुर की भी थी, तो वो भी ले आए, और भाई ये सारा सामान लेके आए। ये भी मिल गया फॉसेट अपने इंडियन बाथरूम वाला, तो बढ़िया मज़े से ही आ गए। तो भाई वहाँ से होम डिपो से वापस आए, तो मेरे जो ससुर है उनको भी लेके आना था वहाँ से, और इनको भी क्या कहते हैं टाइल्स के 3 बॉक्सेस लाने थे, तो हम सारी चीज़ लेके आए। और उसके बाद अभी हमने नीचे रखी है, वहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि एक टाइल रखी हुई है जो मिस्त्री है उसने, और बाकी 5 टाइल के पैकेट और लाया हूँ और आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लेके आनी है। और ये मेरे स्वैगरो ससुर पापा सेल, डीजे पापा सेल एंटोनसेस, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और यही है गाइज आज के लिए इतना ही कुछ हुआ है, अब रात को देखते हैं कि सामान आता है कि नहीं आता, बोला तो आज का है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो गाइज रात हो रही है, रात को भी मैं तुम्हारे को थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई टाइल का काम शुरू हो चुका है, उसने पूरा जो है ये फिनिश कर दिया है नीचे का पार्ट, और अभी जो है उसने ये मार्किंग भी करके छोड़ दिया कि कैसे कैसे लगाएगा। और मैंने जो सेपरेटर्स होते हैं टाइल के बीच में डिस्टेंस होता है वो भी बाय कर लिया, और वो ये भी पूछ रहा था कि भाई ये टाइल में कोई डिज़ाइन तो नहीं है, ये है वो है, तो सारी चीज़ रेडी है। यहाँ आप देख सकते हो बेडरूम है, और ये जो एरिया है ये हमारा थोड़ा सा वॉशिंग मशीन टाइप और थोड़ा स्टोर रूम टाइप है, और ये वॉशरूम में नहीं करा है, ये जस्ट एक टाइल रख के देखी थी। और यहाँ पर जो है हमारा जो ड्राइंग रूम है उसमें भी टाइल रख दी है, और स्टार्ट कर सकता है। तो गाइस रेडी, तो रेडी है सब चीज़ें, कल वो टाइल लगाना शुरू कर देगा और मेरे ख्याल बेडरूम को कंप्लीट भी कर देगा, बट लेट्स सी वॉट एवर इट इज़ कैसे जाता है सब कुछ। और ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब रात हो गई है, कुछ विजिट्स आई हुई है घर पे, कुछ फ्रेंड लोग आए हुए हैं, मेरा ससुर आया हुआ है, तो हम यहीं बस थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे, अब हम डिनर करने जा रहे हैं बाहर। और गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग, टुमारो अनदर वीडियो, टुमारो अनदर डे अनदर वीडियो, बाय बाय।